hello everyone so this is the video lesson 5 and in this video lesson we will try to understand the mechanism of the thin film interference so let's see the figure p q r s this is the thin parallel film p q is the top layer r s is the bottom layer okay, okay and suppose that capital s is the monochromatic light source एंड ए लाइट रे फॉल ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द फिल्म पी क्यू इज द टॉप सरफेस एंड दिस लाइट इंसिडेंट एट पॉइंट बी ओके तो इसमें एक चीज देखिए आप कि बी पॉइंट पर यह लाइट रीच होती है ठीक है ना अब क्वेश्चन ये है कि कितनी लाइट रिफ्लैक्ट करेगी कितनी लाइट ट्रांसमिट करेगी जब भी मीडियम चेंज होता है जब भी मीडियम चेंज होता है पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन होता है यानी कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी कुछ लाइट ट्रांसमिट करेगी कितनी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और कितनी लाइट अंदर ट्रांसमिट करेगी ये डिपेंड करता है फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर ठीक है ना और इसके लिए एक पैरामीटर है जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन कॉफिसियंट एंड ट्रांसमिशन कॉपिशियट ये डिटरमाइन करता है कि कितनी लाइट अंदर ट्रांसमिट होगी और कितनी लाइट ऊपर रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो है ये इस तरह डिफाइन होता है रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट रिफ्लैक्शन कॉफिशियंटर टू म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू प्लस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट ट्रांसमिशन कॉफिशियंट कैसे निकाला जाता है उसके लिए फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज टू वन ठीक है ना तो टी इज द ट्रांसमिशन कॉफिशियंट आर और टी जो होते हैं वो वन से लेस होते हैं दोनों लेकिन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर दें तो ये वन के इक्वल हो जाते हैं तो एक तरह से ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर काम करता है तो एक बार फिर से इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर सपोज दैट ये ए एम्पलीट्यूड यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है ठीक है ना तो और ये जो फिल्म है इसका रिफ्लेक्शन कॉपीसेंट स्मॉल आर है तो ए आर ए आर जो पार्ट है ये ए आर इधर रिफ्लेक्ट करेगा और जबकि एटी टीज ट्रांसमिशन कॉफिशेंट ये अंदर ट्रांसमिट करेगा ठीक है ना एक जरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ देखिए लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ थिन फिल्म ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूजिकल टू वन पॉइंट फाइव तो वन पॉइंट फाइव का रिफ्लेक्शन कॉफिसेंट निकालते हैं ग्लास का तो ये आता है जीरो पॉइंट टू यानी कि ट्वेंटी परसेंट ठीक है ना और इसी तरह अगर हम ट्रांसमिशन कॉपी निकालते हैं तो ये आता है नाइन्टी एट परसेंट तो अगर ग्लास फिल्म है तो ट्वेंटी परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और नाइन्टी एट परसेंट लाइट अंदर ट्रांसमिट करेगी तो इसी तरह यहाँ पर आ, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो ए पार्ट इधर रिफ्लैक्ट करेगा और ए पार्ट इधर ट्रांसमिट होगा ठीक है ना अगर ये जो दो कॉम्पोनेंट हैं इस पॉइंट पर एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है अप्लाई होगा ठीक है ना तो अगर आप इन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर दें यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर ठीक है ना और इनको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना होता है वन तो इन दोनों का स्क्वायर और एड कितना हो गया ए स्क्वायर वॉट इज द ए स्क्वायर ए स्क्वायर इज द ए स्क्वायर इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट सो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज ऑलवेज वैलिड इन द इंटरफ्रेंस एट एवरी पॉइंट ओके सो इन दिस वे हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द मैकेजम ऑफ द इंटरफ्रेंस and this light, this light component reach to D point here again the change of medium so some part of light is reflected, some part of transmitted. how much reflected component? ये decide होगा कितना incident हुआ था, 80 यहाँ पर incident हुआ था. reflected कितना होगा, 80r होगा. transmitted कितना होगा, जितना reflect, जितना incident था D पॉइंट पर, उसमें T और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 स्क्वायर so this amount of light is will transmit out to the thin film and in the similar way this reflected component will reach to e point at e point some part will transmitted some part will be reflected the light will reach at at h point and in similar way multiple reflection multiple refractions are uh, takes place and in this way वी ऑप्टेन ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑन द अपर सरफेस एंड ए नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रेज ओके इन द बॉटम सरफेस तो यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो कोई ऑब्जरवर है और यहाँ पर वो देख रहा है तो ये जो हमने अभी यहाँ पर सिर्फ टू रे ली है वन और टू आगे भी हम ले सकते हैं यहाँ पर और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो जब हम रे वन और टू को यहाँ पर देखेंगे तो रे वन एंड टू बिल फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ द इंटरफ्रेंस ठीक है ना इसी तरह अगर हम नीचे से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर वन डैश और टू डैश रेज हमें मिल रही हैं ये भी सारी की सारी फुलफिल करेंगी कंडीशन जो भी आपकी इंटरफ्रेंस की होती है ठीक है ना तो इस तरह ये पूरा सिस्टम गवर्न होता है और हमें रिफ्लेक्टेड कॉम्पोनेंट में रिफ्लेक्टेड पार्ट में और एक ट्रांसमिटेड पार्ट में हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है लेकिन इस पूरे सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और वो लिमिटेशंस एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे क्या लिमिटेशंस हैं एक्चुअल में इंटरफ्रेंस तभी होता है जब उसकी जो कंडीशंस हैं वो फिलफिल हो -फिल होनी चाहिए तो पहली कंडीशन है कि लाइट सोर्सेज जो हैं वो जो लाइट वेव्स हैं वो कोरेंट होनी चाहिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर जो पर्सन है उसको ऐसा लगेगा कि लाइट जो है पॉइंट बी और डी ई e से होके आ रही है तो ये बी और ई e पॉइंट जो है वो एस वन एस टू की तरह काम करेंगे और एस वन बी और ई e पॉइंट जो है ना ये दोनों वर्चुअल सोर्सेस होंगे और ये दोनों किससे बने हैं ये एक रियल सोर्स से बने हुए हैं कैपिटल एस से तो यहाँ पर कोरेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है नो प्रॉब्लम एट ऑल इसी तरह यहाँ पर सिंगल फ्रीक्वेंसी इज वैलिड नो no प्रॉब्लम लेकिन यहाँ पर जो एक मैन कंडीशन होती है इंटरफ्रेंस की कि द टू लाइट वेव्स मस्ट हैव इक्वल एम्प्लीटूड और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड उस कंडीशन को जरा हम लोग देखते हैं और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है और उसकी वजह से यहाँ पर कई बार इंटरफ्रेंस नहीं भी मिल पाता है तो एक चीज देखिए एम्पलीट्यूड्स हम जरा चेक करेंगे यहाँ पर देखिए ये एम्पलीट्यूड कितना है आपका ए आर इस लाइट का एम्पलीट्यूड रे नंबर वन का एम्पलीट्यूड कितना है ए आर लाइट रे नंबर टू का एम्पलीट्यूड कितना है ए टी स्क्वायर आर ठीक है ना तो जरा चेक करते हैं कि ये एम्पलीट्यूड क्या लगभग इक्वल है या इसमें डिफरेंस है इसी तरह अगर हम ट्रांसमिटेड पार्ट में देखें तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ए टी स्क्वायर है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है ए टी स्क्वायर आर स्क्वायर तो ये दोनों एम्पलीट्यूड क्या नियरली इक्वल है कितना उसमें डिफरेंस है वो चीज़ जरा एक बार चेक करते हैं ठीक है ना तो देखिए जरा यहां पर हमने रेशियो निकालने की कोशिश की है सबसे पहले तो हमने यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द रिफ्लेक्शन कॉपी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर इज गिवन बाई दिस फार्मूला नाउ लेट्स चेक द रेशियो रिफ्लेक्टेड पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो कॉम्पोनेंट आ रहे थे रे नंबर वन एंड टू तो उनके जो एम्पलीट्यूड्स है वो यहाँ पर उनके रेशियो निकाले गए दिस इज द रे नंबर थ्री जो कि हमने फिगर में नहीं बनाई है अगर हम उसे बनाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड लगभग इतना जाएगा ठीक है ना तो इनके अगर रेशियो निकालते हैं तो ये इस ऑर्डर में आते हैं इसी तरह जो ट्रांसमिटेड पार्ट है उसके जो एम्पलीट्यूड के रेसियोज हैं वो इतने आ रहे हैं अब एक अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ग्लास फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं और ग्लास फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है और इसके लिए रिफ्लेक्शन कॉपिशेंट पॉइंट टू है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कॉपीट जीरो पॉइंट नाइन एट है तो रिफ्लेक्टेड पार्ट के जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो होते हैं तो यहां पर देखिए ये एम्पलीट्यूड कितने आ रहे हैं ये वन रेशियो जीरो पॉइंट नाइन रेशियो जीरो पॉइंट जीरो थ्री एट फोर तो यहां पर एक चीज देखने वाली है कि, कि जो इंटरफरेंस होगा दिस इज फॉर रे नंबर वन दिस इज रे नंबर टू दिस इज द रे नंबर थ्री तो यहां पर जो इंटरफ्रेंस होगा वो मेनली रे नंबर वन और टू में ही पॉसिबल है आगे बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ठीक है ना तो रे नंबर वन और टू में यहां पर पॉसिबल हो पा रहा है इसी तरह जरा ट्रांसमिटेड पार्ट में देखते हैं ट्रांसमिटेड पार्ट में जो एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं निकल के ये एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं वन रेशियो जीरो पॉइंट जीरो फोर और फिर उसके बाद अगला जो ट्रांसमिटेड कॉम्पोनेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स जो कि बहुत कम है और ये जो रे नंबर वन डैश और टू डैश के जो एम्पलीट्यूड हैं ये भी ये भी ना तो इक्वल है ना ये नियरली इक्वल है बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ट्रांसमिटेड पार्ट में इंटरफेरेंस होना बहुत मुश्किल है क्योंकि एम्पलीट्यूड्स आपके नियरली इक्वल नहीं है ठीक है कंट्रास्ट प्रॉब्लम है सस्टेंड इंटरफ्रेंस ऑप्टेन नहीं हो रहा है ठीक है ना तो बेसिकली ट्रांसमिटेड पार्ट में इंटरफ्रेंस uh, होना थोड़ा मुश्किल होता है हाँ रिफ्लेक्टेड पार्ट में इजीली ये ऑप्टेन हो रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हैं से थिन फिल्म ए डिस्टिंग इंटरफ्रेंस पैटर्न कैन बी सीन इन रिफ्लेक्टेड पार्ट वाइल द इंटरफ्रेंस विल नॉट बी डिस्टिंग इन द ट्रांसमिटेड पार्ट तो यहाँ पर देखिए एक बार तो इसका आया था वन यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड आया था वन और इसका आया था जीरो पॉइंट नाइन सिक्स जीरो फोर तो और उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट एक और रे लेते लेता अगर मैं तो उसका एम्पलीट्यूड आता जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो यहाँ इसके आगे तो पॉसिबल नहीं है इंटरफ्रेंस होना लेकिन हाँ ये रे नंबर वन और टू में आसानी से इंटरफ्रेंस पॉसिबल हो पा रहा है इसी तरह यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर रे नंबर वन डैश और टू डैश यहां पर ह्यूज डिफरेंस हो रहा है एम्पलीट्यूड का तो यहां पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी जो भीट है ठीक है ना सपोज दैट इफ द रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट ऑफ द सर्फेस ऑफ फिल्म इज लेस ओके फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पेयर ऑफ वाटर फिल्म इन बिटवीन द टू ग्लास प्लेट सपोज दैट द इंटरफरेंस पैटर्न इज सीन इन द रिफ्लेक्टेड पार्ट नॉट इन द ट्रांसमिटेड पार्ट जैसा कि अभी हो पा रहा है इसी तरह अगर आप वाटर फिल्म लेते हैं इन बिटवीन द ग्लास प्लेट इन बिटवीन द ग्लास प्लेट तब भी आपको रिफ्लेक्टेड पार्ट में इंटरफ्रेंस दिखाई देगा लेकिन ट्रांसमिटेड पार्ट में नहीं दिखाई देगा तो क्या करते हैं उसके लिए अगर आपको ट्रांसमिटेड पार्ट में भी इंटरफ्रेंस चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं फिर उसके लिए हम यहाँ पर सिल्वर कोटिंग वगैरह कर करके रिफ्लेक्टेड पार्ट को हम डिमोलाइज करते हैं और ट्रांसमिटेड पार्ट में लाइट को बढ़ाते हैं तो ये जो ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं ये काफ़ी एक दूसरे के क्लोज चले जाते हैं और इस तरह हमें फिर इंटरफ्रेंस यहाँ पर पैटर्न मिल जाता है ओके थैंक यू